नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। दतिया में मेडिकल कॉलेज में एक दिवसीय प्रशिक्षण देने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर ए के रावत, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ पूर्ण अधिष्ठता बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, डॉक्टर कैनकर वरिष्ठ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डबरा पहुंचे। इसी दौरान दतिया मेडिकल कॉलेज डी राजेश गौर ने मुख्य अतिथि डॉक्टरों का सम्मान किया एवं कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुख्य अतिथियों ने सरस्वती माता पर माल्य अर्पण कर पूजा अर्चना की एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मेडिकल कॉलेज परिसर मीटिंग हॉल में कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर ए के रावत एवं कैनकर वरिष्ठ का सभी डॉक्टरों ने तुलसी का पौधा देकर सम्मानित किया। इसी दौरान मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर राजेश गौर, डॉक्टर आर्य वशिष्ठ, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता यादव, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्जुन सिंह, मेडिकल अधीक्षक शासकीय चिकित्सालय दतिया डॉक्टर राजेश गुप्ता, विभागीय अध्यक्ष बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ दतिया डॉक्टर विवेक वर्मा, विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर सचिन यादव, महिला उप अधीक्षक एवं अन्य डॉक्टर रहे उपस्थित। मुख्य अतिथि डॉक्टरों द्वारा नर्सों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें लगभग 32 नर्सों अलग अलग जगह से ट्रेनिंग में हुई शामिल। ट्रेनिंग में डॉक्टरों द्वारा शिशु पैदा होने के लक्षणों को लेकर जानकारी दी गई। इसी के साथ मेरे साथ डॉक्टर कपिल आर्य साहब भी हैं, एचओटी साइकेट्री, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि हमें पता है कि अभी संस्थागत प्रसव की संख्या 85% या उससे भी अधिक हो गई है। 80-85% तक प्रसव संस्थाओं में होने लगे हैं। अब संस्थाओं में जब प्रसव होते हैं तो फिर प्रसव के समय पर एक ट्रेंड व्यक्ति वहाँ पर होना चाहिए जो नवजात शिशुओं को प्रॉपर देखभाल दे सके। क्योंकि हमें ये मालूम है कि नवजात शिशुओं में मध्य प्रदेश में मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है और इसके मुख्य रूप से तीन कारण हैं। एक है सांस लेने में विलंब होना, दूसरा है नवजात शिशुओं में संक्रमण का होना और तीसरा है जन्म के समय कम वजन का होना या समय प्रसव समय के पूर्व प्रसव का हो जाना। तो इसमें जो प्रथम कारण है कि नवजात शिशु में जो सांस संबंधी समस्या होती है, सांस विलंब से लेने में जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं, उस इस ट्रेनिंग के द्वारा हम वो वाली समस्या उस समस्या को काफ़ी हद तक ठीक करते हैं। और इसमें बहुत उपकरण की जरूरत नहीं है, छोटा सा उपकरण है जिसको हम वैगन मास्क बोलते हैं। उस वैगन मास्क के उपयोग के द्वारा हम इनको इसका उपयोग करके सही ढंग से हमने कर लिया। ये हमारा छोटा सा उपकरण है, बहुत ज़्यादा मशीनें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इस उपकरण का अगर हम सही उपयोग कर लें तो नवजात शिशु को हम आसानी से उनके सांस देने में उनकी मदद कर सकते हैं। इसमें कितनी बच्चियों ने हिस्सा लिया है जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? और हमारे पास में करीब 32 पार्टिसिपेंट्स हैं जो दतिया के भी हैं, दतिया के आसपास के तहसीलों के भी हैं, काफ़ी दूर से भी लोग आए हुए हैं। भांडेर जैसी जगह 70 किलोमीटर यहाँ से वो आए हुए हैं, तो आसपास के दतिया जिले के आसपास के काफ़ी जगह से लोग आए हुए हैं। दतिया स्थानीय ही है और दतिया के बाहर। बहुत बहुत धन्यवाद।